अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने लगी हूँ परफ्यूम। मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आप लोगों को जे डॉट के जानान परफ्यूम के बारे में बताया था। आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है, तो मैंने सोचा कि इस चैनल के ऊपर परफ्यूम के रिव्यूज़ की भी वीडियोज़ होनी चाहिए। तो आज हम जिस प्रोडक्ट या जिस परफ्यूम का रिव्यू करेंगे वो है हमारे पास गुल अहमद या फिर आइडियाज़ का हमारे पास ये परफ्यूम जिसका नाम है स्टारडोम। मैं आपको ये दिखाती हूँ, यहाँ देखें ये आइडियाज़ लिखा हुआ है। और ये जो परफ्यूम है बेसिकली 100 ml की पैकिंग में है। अगर मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बताऊँ, प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। और अभी हम जो है वो इसको रिव्यू करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है जी स्टारडोम और ये परफ्यूम है। ये देखें इसकी कुछ पैकिंग इस तरीके से है। इसके बॉक्स को अभी हम ओपन करते हैं। ये हमारा रहा परफ्यूम। ये देखें जी, ये हमारा परफ्यूम है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्राइस है वो है 3,490 rupees। अब मैं आपको इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में बताती हूँ। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, माइनर है और फ्लोरल है। ये परफ्यूम जो है ना, मैं आप इस परफ्यूम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो परफ्यूम है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि कहते हैं कि हमने परफ्यूम भी लगाया और उसकी खुशबू सिर्फ हमारे तक महदूद रहे। इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही माइल्ड है, माइनर है। अब अगर आप लोगों ने ये परफ्यूम लगाया हुआ है तो इसकी खुशबू बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आपको महसूस होगी, और वो भी जब आपने इसे लगाया होगा, और तकरीबन 6 to 7 hours के बाद आपको ख़ुद भी महसूस नहीं होगी। तो वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनकी खुशबू सिर्फ उन तक महदूद रहे परफ्यूम की, तो ये जो परफ्यूम है ये वो लोग बाय करें जो लोग धीमी खुशबू को पसंद करते हैं। और वो लोग जो कि धीमी खुशबू को पसंद नहीं करते वो इसको बाय मत करें, क्योंकि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि 3,490 rupees में अगर आप परफ्यूम भी ले रहे हैं और उसकी खुशबू ना आए तो फिर कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। आई थिंक सो ये जो परफ्यूम है, अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो काफ़ी जो है कन्वीनियंट है और ईजी वे से आप इसे क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास जी परफ्यूम है 100 ml की पैकिंग में, और ये आइडियाज़ का है। आइडियाज़ जो है वो बेसिकली क्लॉथिंग ब्रांड है, तो आजकल क्लॉथिंग ब्रांड जो है उन्होंने अपने परफ्यूम वगैरह लॉन्च कर दिए हैं। तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में ये कहूँगी कि मुझे ये पैसा वसूल प्रोडक्ट नहीं लगा, क्योंकि अगर इसकी प्राइस को हम देखें तो 3,500 rupees में आप परफ्यूम भी ले रहे हैं और उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत धीमी है। लास्टिंग ये नहीं है परफ्यूम, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि परफ्यूम लगाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी खुशबू किसी और को महसूस ना हो। तो बिल्कुल आपको हल्की हल्की सी इसकी खुशबू महसूस होगी, और वो भी जब आपने इसे फ्रेश लगाया हो, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स जो है वो आपको खुद भी महसूस नहीं होगी। खुशबू इसकी बहुत माइल्ड है और फ्रेग्रेंस इसकी अच्छी है, बुरी नहीं है। बट पैसों के लिहाज से मैं आपको ये कहूँगी कि ये प्रोडक्ट जो है ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर इसकी प्राइस 2000 या 2200 होती तो मेरे व्यूज़ और होते। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिखाना चाहती हूँ, और ये आप इनके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम अल्कोहल फ्री जो है वो परफ्यूम यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इंग्रेडिएंट्स देख लें और आप ख़ुद डिसीजन लें कि ये परफ्यूम आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस परफ्यूम के बारे में बताया है कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, फ्रेग्रेंस इसकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और बहुत माइल्ड सी है। अगर आप लोगों में से किसी ने ये परफ्यूम यूज़ किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये परफ्यूम जो है आपको कैसे लगा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।